टाइम 24 न्यूज जस्ट पास सच दिखाने का। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आज आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर ने हाथरस से लौटते समय बुलंदशहर उपचुनाव में पार्टी के प्रत्याशी के कार्यालय पर रुके और यहां उन्होंने पत्रकारों से बात की। चंद्रशेखर ने सरकार को घेरते हुए कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार की जान को खतरा है, यूपी पुलिस सरकार के एजेंट की तरह काम कर रही है। चंद्रशेखर ने दावा किया कि आसपास पंचायत हो रही है जिसके कारण कभी भी भीड़ का बहाना लेकर हमला हो सकता है, जिसको लेकर चंद्रशेखर ने कोर्ट जाने का दावा किया और पीड़ित परिवार को सुरक्षा कर्मी दिलाने का दावा किया। चंद्रशेखर ने कहा कि कुलदीप सिंह सेंगर और उन्नाव को मैं भूला नहीं हूँ। चंद्रशेखर यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने सीबीआई टीम पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि सीबीआई सरकार का तोता है और सरकार विपक्ष को डराने के लिए हमेशा आईटी, ईडी और सीबीआई का शिकंजा कसा जाता है। चंद्रशेखर ने आगे कहा कि पीड़ित परिवार का साफ कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस द्वारा मामले की जांच होनी चाहिए। देखिए, अगर आप जानकारी करेंगे तो पीड़ित परिवार ने जाते ही सबसे पहली मांग यही की, उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित रहिए। सच भी है, जिस तरह से वहाँ पंचायतें हो रही हैं, उसी गांव से मैं 1 किलोमीटर दूर, वो भीड़ के रूप में उस भीड़ की शक्ल में पहले भी इस देश में हुआ है, वो कब जो है हमारे परिवार पे हमला कर दे और उनकी जान को नुकसान हो जाए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से पुलिस जो है सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है तो उनकी जान को खतरा है और इसलिए वो चाहते थे कि वो मेरे साथ आएँ। मैंने प्रशासन से मांग की, उन्होंने मना कर दिया। मैं कल इसके लिए कोर्ट जाऊँगा और हम प्रयास करेंगे कोर्ट से ऑर्डर कराएं क्योंकि सबसे पहले उनकी सुरक्षा जरूरी है। जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी तो इस न्याय की लड़ाई को लड़ पाएंगे। कुलदीप सेंगर और उन्नाव नहीं भूले हम अभी, तो उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। सीबीआई जांच तो जो है, सीबीआई तो सरकार का तोता, विपक्ष हमने बहुत इस सरकार में हमने देखा किस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग की सरकार ने किया। जब भी विपक्ष को डराना हो तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, कहीं की टीम कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है। कि ये मांग है जिस मांग को मैं बहुत मजबूती से आपके सामने रख रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस से उनके संज्ञान में पूरा मामला चले, पूरे मामले की जांच हो, न्यायिक जांच हो। क्योंकि जज की क्या बात बताएं, मैंने आपको रिटायर्ड जज जिस पे किसी तरह का दबाव ना डाला जाए सरकार द्वारा, जिसको किसी तरह का प्रलोभन ना दिया जाए, जिनके नेतृत्व में न्याय की उम्मीद है, ऐसे सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की मांग जो है पीड़ित परिवार ने की है, उनके नेतृत्व में न्यायिक जांच हो। मैंने परिवार के लिए वाइस ट्रेनिंग सुरक्षा की मांग की है। जब इस देश में कंगना रनौत को गृह मंत्री जी एक दिन में जो है वाइस ट्रेनिंग सुरक्षा दे सकते हैं तो इस परिवार को क्यों नहीं? क्या दलित बहन बेटियों की जिंदगी इतनी सस्ती है? बेटी बेटी होती है, अगर कंगना रनौत को सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे परिवार को मिल सकता है, और अगर हमारे परिवार को सुरक्षा नहीं मिलेगी, उनके साथ ये ज्यादती होगी। तो मैंने बताया कि अगर ये मांगे पूरी नहीं होगी तो मैं विधानसभा घिराव करूंगा। जब मेरा परिवार डर के साए में रहेगा तो मुख्यमंत्री चैन से नहीं सोएंगे। हेलो, कि उनका रवैया कैसा, आपको क्या घुसने की आज़ादी थी? आप तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, अब तक क्यों बाहर घूम रहे थे और क्यों जो है पुलिस से जो है भिड़ रहे थे? पुलिस और सरकार जो है, पुलिस करेगी क्या? सरकार की नौकरी कर रही है, सरकार के इशारे पर पीड़ितों को डराने धमकाने काम कर रही है और उत्तर प्रदेश में गुंडा राज अब जाति नहीं चले। सरकार की इतनी मदद की है कि पीड़िता के शव को आधी रात में पीड़ित परिवार के मना करने के बाद जला दिया हो, जिसने सबूत मिटाने काम किया हो, उस पर मुख्यमंत्री कैसे कार्रवाई कर सकते हैं? मुख्यमंत्री को उसको हटाना नहीं चाहिए, उसके ऊपर सेक्शन 4 का एविडेंट टेम्परिंग का मुकदमा दर्ज करके उसको जेल भेजना चाहिए। और अगर ये मुख्यमंत्री इसको बचाएंगे तो कल जब 2022 में सरकारें बदलेंगी तो इस डीएम को इसके किए की सजा मिलेगी। डीएम और सारी मांग नहीं करूंगा मैं, इसके लिए मैंने बता रहे विधानसभा घिराव भी करूंगा और अब कोर्ट इसलिए जाऊंगा कि पीड़ित परिवार को वाइस ट्रेनिंग सुरक्षा मिले, पीड़ित परिवार की सुरक्षा बहुत जरूरी है। चंद्रशेखर ने कहते हुए पीड़ित परिवार के लिए वाइस श्रेणी की सुरक्षा की मांग की है। सरकार को घेरते हुए चंद्रशेखर ने कहा कि जब कंगना रनौत को वाई श्रेणी की सुरक्षा मिल सकती है तो हमारे दलित परिवार की सुरक्षा क्यों नहीं मिल सकती? चंद्रशेखर ने कहा कि अगर ये मांग पूरी नहीं होती है तो मैं विधानसभा का घेराव करूंगा। अगर हमारा परिवार डर के साए में जिएगा तो मुख्यमंत्री को चैन से सोने नहीं दिया जाएगा।
चंद्रशेखर ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि पुलिस सरकार के इशारे पर काम कर रही है। पीड़ित परिवार के मना करने पर भी उनकी बेटी के शव को जला दिया गया। ऐसे डीएम को मुख्यमंत्री क्यों हटाएंगे? चंद्रशेखर ने कहा कि सबूत मिटाने के आरोप में सेक्शन 4 के तहत डीएम पर मुकदमा होना चाहिए, नहीं तो मैं विधानसभा का घेराव भी करूंगा और जब कल 2022 में सरकार बदलेगी तो इस डीएम को इसके किए की सजा मिलेगी। बुलंदशहर से टाइम 24 न्यूज के लिए हामिद सैफी के साथ शमसुद्दीन सैफी की रिपोर्ट। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।